हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बिना मठे की कढ़ी बनाएंगे, जो कि बनाने में बहुत सिंपल होती है एंड खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ी की पकौड़ी तैयार कर लेंगे, जिसके लिए एक कटोरी बेसन लेंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक हरी मिर्च एंड प्याज चॉप करके डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे, जो कि ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। हमारी पकौड़ियों का बैटर तैयार है। अब हम लोग एक सॉस पैन में तेल गरम करेंगे एंड उसमें अपनी पकौड़ियाँ फ्राई करेंगे। इन्हें जब तक फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी ना हो जाए। कढ़ी की पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत क्रिस्पी बनी है। हम लोग अपनी कढ़ी की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर एंड उसमें अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लेंगे एंड जब तक मिक्स करेंगे तब तक सारे लम्स ना चले जाए। हमने 2 से 3 ग्लास पानी डालना है एंड एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। उसके बाद हम लोग अपनी कढ़ी को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल व 1 चुटकी हींग और 1 टेबल स्पून मेथी दाना भुनने देंगे। उसके बाद हम लोग अपनी 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा बैटर था उसे इसमें पोर कर देंगे एंड अच्छे से पकाएंगे। एंड अगर हमें पानी कम लग रहा है तो हम लोग और पानी ऐड कर सकते हैं एंड इसे अच्छे से पकाना है और चलाते रहना है। अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो इसमें लम्प पड़ जाएंगे और नीचे से जल भी सकता है। 10 से 15 मिनट चलाने के बाद देखिएगा आप इसे, एकदम ये गाढ़ी हो जाएगी एंड एकदम कढ़ी की जैसी लगेगी। एंड में हम लोग इसमें अपना नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और उसके बाद हम लोग इसमें अपनी पकौड़ी ऐड कर लेंगे एंड पकौड़ियों को तोड़ के डालिएगा, ताकि जो कढ़ी है वो पूरी इसमें ऑब्जर्व हो जाए और जो पकौड़ियों में भी उसका टेस्ट आए। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसे थोड़ा खोलने देंगे और ध्यान रखिएगा हमें इसे चलाते रहना है। उसके बाद एंड में इसमें हम 1/2 चम्मच टांटरी डालेंगे। आप अमिया का पानी भी डाल सकते हैं थोड़ी खटास के लिए। लीजिए, बनकर तैयार है हमारी कढ़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।